राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमाबंदी के काम से अपने डाटा एंट्री ऑपरेटरों को हटा दिया है। अब तक डाटा एंट्री ऑपरेटर मेकर की भूमिका में होते थे। नई व्यवस्था के तहत मेकर का काम राजस्व कर्मचारी के जिम्मे होगा। इस तरह से ऑपरेटर से यह काम ले लिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई व्यवस्था के संबंध में सभी जिलों के डीएम को पत्र भेजा है। बता दें कि वर्तमान व्यवस्था में ऑनलाइन जमाबंदी सॉफ्टवेयर में 3 स्तरीय व्यवस्था है, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर मेकर की भूमिका में है, राजस्व अधिकारी चेकर एवं अंचल अधिकारी अप्रूवल की भूमिका में है। अब इसमें बदलाव किया गया है। इन 3 स्तरीय सोपान में आवश्यक संशोधन किया गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर को इससे अलग कर दिया गया है। अब राजस्व कर्मचारी को मेकर की भूमिका में रखा गया है। राजस्व अधिकारी चेकर होंगे और अंचल अधिकारी अप्रूवल की भूमिका में पूर्व की तरह ही रह पाएंगे। बता दें कि राजस्व विभाग ने कहा है कि राजस्व कर्मचारी अपने हलके के लिए दाखिल खारिज कर सकते हैं और लॉगिन आईडी से जमाबंदी पोर्टल में लॉगिन कर जमाबंदी में संशोधन करने के लिए भी मेकर की भूमिका में रहेंगे। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जयसिंह ने सभी डीएम को पत्र लिखा है और उन्हें संशोधन के संबंध में जानकारी भी दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमाबंदी के काम से अपने डाटा एंट्री ऑपरेटरों को हटा दिया है। अब तक डाटा एंट्री ऑपरेटर मेकर की भूमिका में होते थे। नई व्यवस्था के तहत मेकर का काम राजस्व कर्मचारी के जिम्मे होगा। इस तरह से ऑपरेटर से यह काम ले लिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई व्यवस्था के संबंध में सभी जिलों के डीएम को पत्र भेज दिया है। अपने स्टडी को दीक्षांत के साथ बनाइए स्मार्ट और बेहद आसान। दीक्षांत एडुटेक 18 फरवरी 2023 से ला रहा है दीक्षांत लर्निंग ऐप। दीक्षांत लर्निंग ऐप के माध्यम से नर्सरी से 12 तक मिलेंगे टॉपिक वाइज इंटरैक्टिव वीडियो, बोर्ड वर्क, स्टडी मटेरियल, डाउट क्लास, ऑनलाइन टेस्ट और आप ट्रैक कर सकते हैं अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट। साथ ही आपको मिलेंगे फ्री डेमो क्लासेज। रजिस्टर करने के लिए विजिट कीजिए www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।